पेज जब बनाते हैं उसको वैलिडेट करने का क्या रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एच वन टैग और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं हम एच टी एम एल को ही डिस्कस कर रहे हैं जैसे, तो एच टी एम एल, ठीक है। और जब भी आपने फाइल सेव करनी है एक्सटेंशन भी डॉट एच टी एम एल ही रहेगी। ये बहुत टाइम पहले कहें तो सिर्फ एच टी एम से भी बात बनती थी। उसका रीज़न क्या था, एक आज की डेट में जितनी भी एप्लीकेशन आपकी उसकी एक्सटेंशन नोट करो तो वो 4 बिट। जैसे कि अगर आप एम एस वर्ड की बात करें तो किसी टाइम में सिर्फ डी ओ सी लगता था जी, ठीक है ना। एक्सेल की बात करें तो एक्स एल एस लगता था, लेकिन आज की डेट में यही डॉक एक्स हो चुका है इस तरीके से। मतलब अब जितनी भी एक्सटेंशन है वो 4 बिट हो चुकी है, ठीक है। एक्स का वैसे मतलब बता दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा फीचर। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सटेंशन जो है वो एच टी एम हो चुकी है, एच टी एम की जगह एच टी एम एल हो चुकी है। एच टी एम से भी चलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब 4 बिट चलती हैं, तो जितनी भी इंटरनेट पे एप्लीकेशन चलती है उनकी एक्सटेंशन वैसे इसी तरीके की होती है। तो एच टी एम हो या फिर एच टी एम एल हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या पड़ेगी आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए तो करेक्ट पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो एक लैंग्वेज क्या हो सकती है आपकी, अ वे टू कम्युनिकेट जी, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे थॉट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, यही है बेसिकली। तो दो तरीके की लैंग्वेज हो गई हमारी, एक तो ह्यूमन रीडेबल हो गई जी, और एक आ गई आपकी जो कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट करता, मतलब जो हम एक आर्टिफिशियली, हम पे तो बात ही कर रहे हैं ना, चाहे आर्टिफिशियल कर रहे हैं। तो एक लैंग्वेज हो गई है जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करती है, तो ये एक लैंग्वेज हो गई। ये 0 या 1 के फॉर्मेट में चलती है बेसिकली, बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं इसको हम। वैसे लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कहाँ रीड आउट की जाएगी, एक पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र इसको ट्रांसलेट कर लेता है अपने आप ही। अब वो कौन सा ब्राउज़र हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो फायरफॉक्स हो सकता है जी, वो क्रोम हो सकता है, वो सफारी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कॉमन क्यों रखा गया, कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के सबके अलग अलग होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, ओएस क्या होता है, ओएस का रोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब ओएस तो ओएस है, ये मोबाइल में भी होता है और आपके डेस्कटॉप में भी होता है। तो मोबाइल के लिए कौन सा चल रहा है, एंड्रॉयड, ये भी एक ओएस ही है। और ये किसके ऊपर चलता है, बेस्ड ऑन लिनक्स, कि लिनक्स भी एक ओएस है। यानी जो हम यूज़ करते हैं, हम जो हैबिचुअल हैं वो तो विंडोज चला रहे हैं, लेकिन विंडोज से बाहर की दुनिया भी तो है, लिनक्स भी है, कंपनीज लिनक्स यूज़ करती है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है पहले नंबर पे, तो परचेज नहीं करना पड़ता, ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करने पड़ते, अपने आप ही पिक कर लेता है। काफ़ी सॉलिड बोला जा सकता है एनवायरमेंट है इसका। और तो और एक क्या आ गया, मैक, ठीक है ना। इसका अपना ही प्लेटफॉर्म है, इसकी अपनी दुनिया है, लेकिन फिर भी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन ये पेड है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई पायरेटेड वर्जन है ऑल दैट इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फिर भी उनको कुछ नहीं कहते। क्यों, क्योंकि उन्होंने पेड बोल के भी इसको लोगों को फ्री में दे दिया, वो क्रैक एंड ऑल दैट ये खुद ही निकालते हैं जी। यार यूज़ तो करो, हैबिट तो डालो आप इसकी, जहाँ से उनको अच्छा रिवेन्यू मिलेगा। अगर केस करेंगे तो मेरे ऊपर करेंगे क्या, कि इतना तुमके पैसे लग जाएंगे जितना का लैपटॉप नहीं है, तो मैं तुमको लैपटॉप भी उठा के ले लूँ भाई, तुम्हें इस मशीन से दिक्कत है तो क्या के ले लो। तो वो पेड होके भी एक तरीके से फ्री में बांट रखा लोगों को,
तो ये क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए जो कंप्यूटर के प्रोसेसर को मेंटेन कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं, एज वेल एज अदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो इनसे कम्युनिकेट करती है। अब इनका इंटरनल फाइल सिस्टम चेंज होगा, फाइल सिस्टम इन द सेंस इनका डेटा मेंटेन रख रखाव करने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना, सबका अलग अलग है। मेमोरी को मैनेज करने का तरीका अलग है, कोई फास्ट है कोई स्लो है, किसी की कोई अनकोडेड है, इनकोडेड का सेंस किसको हैक इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये जो लैंग्वेज है वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करती, कम्युनिकेट करती है। और इनके ऊपर क्या इंस्टॉल है आपके पास, सॉफ्टवेयर जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं जी, तो इंफॉर्मेशन फिर ब्राउज़र के पास जाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज हो गई। तो इस दूसरे की बात करें मार्कअप की, तो मार्कअप क्या हो सकता है ये पता होना चाहिए हमें, और हाइपर टेक्स्ट क्या हो सकता है। तो आपके हिसाब से हाइपर टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, लाइक सिंपली कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। हाइपर का मतलब क्या हो सकता है कि जिसके अंदर कुछ लिंक हो सकते हैं, लिखा तो हमने टेक्स्ट ही लेकिन लिखा किस फॉर्मेट में, हमें लिंक के फॉर्मेट में लिखा हमने टेक्स्ट ही जी, लेकिन ब्राउजर पे क्या दिखी, इमेज। लिखा हमने टेक्स्ट ही है लेकिन दिखा क्या उसका, एक वीडियो जी। तो हाइपर टेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करता है, इलेक्ट्रॉनिकली है ये सारा का सारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट कहा गया। मार्कअप बचा बीच में, तो मार्कअप को क्या कह सकते हैं हम, कि जो लैंग्वेज बेस्ड ऑन टैग्स, टैग बेस्ड लैंग्वेज इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब टैग कैसे कहते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। आपको दुनिया में कोई भी लैंग्वेज टैग के अंदर लिखी नजर आएगी तो वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज ही है। एग्जांपल बता दूं तो HTML तो है ही है, एक XML भी आती थी, एक लैंग्वेज XML भी है, एक XHTML भी आ रही है जी। बहुत सारी हैं, YAML भी है, एक YAML ऐसे कुछ है ये, ठीक है, एग्जैक्ट स्पेल नहीं हो रहे। सो इस तरीके की कोई लैंग्वेज जो है वो सारी के सारे टैग के ऊपर, ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो ये टैग बेस्ड लैंग्वेज हो गई। टैग बेस्ड लैंग्वेज जो होती हैं वो बेसिकली, जो टैग है बेसिकली, वो दो तरह का हो गया, एक तो हो गया आपका कंटेनर जी, वो एक होता है नॉन कंटेनर, ठीक हो गया। अब कंटेनर और नॉन कंटेनर में क्या डिफरेंस हो गया, कंटेनर मतलब एक बड़ा जिसके अंदर भी रखा जा सकता है, बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब विच विच कंटेन अनदर टैग एज वेल एज टेक्स्ट इनपु, ये हो सकता है इसमें, या फिर सिंपल बोलना है कि जिसका एक स्टार्ट टैग भी होगा एक एंड टैग भी होगा। स्टार्ट करने के लिए मैंने लेट अस सपोज लिख दिया HTML, और बंद करने के लिए मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, ये जो स्लैश है ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा है ये टैग बंद हो चुका है, क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं। अब कंटेनर क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर ही बाकी टैग आएंगे जी। जैसे इसके अंदर मैंने हेड टैग दे दिया, इसी के अंदर मैंने टाइटल टैग दे दिया, इसी के अंदर मैंने क्या दे दिया, बॉडी टैग दे दिया, ऐसा चलता रहेगा, यही तो है सारा। HTML से शुरू हो रही है, लास्ट HTML पे खत्म हो रही है, हेड से शुरू हो रही है, हेड पे खत्म हो रही है, तो कंटेनर टैग हो गया ना, विच कंटेनर अनदर टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग है, मे बी कोई टेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर। नॉन कंटेनर टैग जो है इनको आप एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, क्योंकि इनका ओपनिंग क्लोजिंग एक ही है, इनको क्लोज करने की जरूरत है,
ठीक है, जैसे मुझे इमेज लगानी है तो इमेज नाम का टैग है, बात खत्म। ये बंद भी कर दी हमने यहाँ पे, मुझको इमेज लगानी है इसके अंदर और क्या डालूंगा इंफॉर्मेशन, नहीं डालनी, खत्म हो गया। इमेज नाम के टैग में कोई दूसरा टैग नहीं डाला जा सकता, मतलब ये बीच में सिर्फ इमेज ही रहेगी बीच में। लेकिन हाँ, जितने भी आपके पास नॉन कंटेनर टैग होंगे उसमें कुछ एट्रीब्यूट जरूर होंगे, प्रॉपर्टीज जरूर होगी। दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और यू कैन से प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो प्रॉपर्टीज जरूर होंगी इनकी, लेकिन टैक्स एक ही रहेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। हाँ, मतलब इसमें कोई और टैग या टैक्स नहीं आ सकता, बट दीज आर द फिक्स कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये डालनी पड़ेगी आपको। सोर्स देना पड़ेगा आपको, अल्टरनेट टेक्स देना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई इमेज लगा रहे हैं तो कुछ पर्सन कहते हैं कि क्यों डाल रहे हैं, मुझे तो इमेज दिखानी है, मैं अल्टरनेट टेक्स क्यों डालूँ यहाँ पे। बात भी सही है उसकी भी, इमेज दिखा दी मैंने, कार्टून इमेज दिखानी थी मैंने, काम करता हूँ, अल्टरनेट टेक्स लगा के क्या फ़ायदा, दिखना तो है नहीं किसी को। लेकिन आपके हिसाब से लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह पे वो रिडायरेक्ट कर देता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि इमेज नहीं खुलती है, हाँ, तो वो दिखा देता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। हाँ, एक बार तो वो भी मान के चल लेते हैं जी। लेकिन बात यहाँ पे एक और आती है कि गूगल को कैसे पता चलेगा ये मिकी माउस है। गूगल को भी तो बताना ना मेरे को जी। तो गूगल कहाँ चला जाएगा, अल्टरनेट टेक्स्ट को रीड कर लेगा, तो कह रहा यार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो गूगल का ही फायदा, तुम गूगल का फायदा छोड़ो, आप ही का बेनिफिट है रैंकिंग में। तो अल्टरनेट टेक्स्ट को मेंटेन हमेशा करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कोई प्रोडक्ट मान लो, ये जैसे आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं गूगल पे, तो प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रोडक्ट की आईडी जरूर डाली जाती है जी, मोबाइल का मॉडल नंबर जरूर डाल। तो इमेज तो मेरे को देख रही है लेकिन उसके अल्टरनेट टेक्स्ट में उसका मॉडल डाला हुआ है, तो फायदा किसका हुआ, कंपनी का फायदा हुआ। और जो इंफॉर्मेशन वेथ और हाइट, ये डिपेंड आप पे, आपने कितनी बड़ी इमेज दिखानी है, कितनी छोटी इमेज दिखानी है, ये आपको सोचना भी पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपकी इमेज स्क्वायर में है तो हाइट और विड्थ बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इस केस में ऐसा करूँ कि इमेज मेरी स्क्वायर है 5x5 की है, मान लो एग्जांपल ले लें, और मैं विड्थ कर देता हूँ 4, वो तो स्क्वीज ही हो जाएगी, पपड़ी सी बन जाएगी उसकी जी, वो भी गलत है। मैक्सिमम हम गलतियाँ ये करते हैं, और ये गलती करता कौन है, डेवलपर नहीं करता, ये गलती करता है जिसने वेबसाइट बनवाई है। वो कहता है यार इमेज डालो, उसने तो बताया आपको भैया 5x5 की इमेज है, स्क्वायर में डालनी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, स्क्वायर इमेज ही डालनी चाहिए ना। तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट बड़ी अनप्रोफेशनल सी लगती है, वो खींची हुई इमेज, स्ट्रेचिंग वाली इमेज, क्योंकि वो धक्के से काम किया। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है विपिन पर्सन का नाम, तो उसने वेबसाइट बनवाई थी, चलो वेबसाइट तो बनवा ली, बंदे ने पैसा भी लगाया भाई, चलो पैसा लगा के उसने बनाई वेबसाइट थी शॉपिंग की। उसने काम खोला था रेडीमेड शर्ट बनाने का, जीन्स बनाने का, वो कहता था मैं ना अपने पोर्टल पे डालूंगा। मैंने उसको बोला भैया क्यों पंगा ले रहा है इतना ज़्यादा, शॉपिफाई वगैरह पे डाल ले काम खत्म कर। नहीं जी मैं तो अपनी बनाऊंगा। चलो वेबसाइट बना ली, सब कुछ कर लिया, चिंदी चोरी कहाँ कर गया, शर्ट को रखा, मोबाइल से पिक्चर खींची, चलो थोड़ा मोबाइल से खींची धड़ाधड़ी, ये काम तो कोई बड़ी बात नहीं मैं कर लूँगा। जबकि मैंने उसे कहा, मैं कहा एक प्रोफेशनल अपना कोई हायर कर ले जो इसकी फोटोग्राफी करके दे दे, इसके कैटलॉग बना के दे दे मेरे को जी। कौन सुनता है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे कैटलॉग बना लिए, ये कर ले, इतनी अनप्रोफेशनल वेबसाइट। फिर बंदा कहता यार नाश मार दिया मेरी वेबसाइट का यार, इन्होंने तो बनानी नहीं आई वेबसाइट, कितनी गंदी वेबसाइट लग रही है। तो अब बोलो जरा, तो जहाँ इतना खर्चा था थोड़ा और खर्च लेता भाई। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मिसमैच होती हैं, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने बताई है हाइट और विड्थ जी, जबकि डेवलपर को भी बताना चाहिए कि भैया यार इमेजेस मैं कितने बाई कितने के रखूँ यहाँ पे, क्योंकि जब एड लगती है न्यूज़पेपर पे तो वहाँ भी ये चीज़ मेंशन होती है साइडों में 4x4 की जगह, क्योंकि उनको पता है कि भैया 4x4 जो है ना मेरे को फिट भी तो करना है, काम ज़्यादा करूँगा तो काम खराब होगा, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर की जाती हैं।
तो इसलिए हमें डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। डिजाइनर हमारे लिए क्या करता है, कोड करने से पहले एक डिजाइन बना कर देता है, इसको मॉकअप बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मॉकअप। पहले मॉकअप जो बनते थे वो ऐसे बनते थे। आई थिंक मेरे पास एक आधा मॉकअप किसी का पड़ा होगा, तो मैं दिखाता हूँ। मॉकअप इन द सेंस जो वेबसाइट है सबसे पहले किस में बनती थी आपकी, फोटोशॉप में, कि कितने पिक्सल होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सारा का सारा डिज़ाइन। अरे अब एंड टाइम पे मिलना भी नहीं मेरे को, लेटर्स नो ई ड्राइव में गूगल यहाँ हो सकता है मे बी यार। ये फोटोशॉप में पीएसडी बनी हुई है। इसमें क्या किया गया, अब ये क्यों बनाया जाता है, क्लाइंट बैठा आपके पास, उसको आप एक एक लाइन कोड करके नहीं दिखा सकते जी। ये कलर रख दें, अच्छा नहीं ये लगा दें, ये लगा दें, तो उसको बिठा दें हमने डिज़ाइनर के पास। ठीक है जी, डिज़ाइनर ने क्या किया, वो तो एक्सपर्ट आई था, वेब डेवलपर है भाई वो कोई लोगो बनाने वाला थोड़ी ना, उसने ये बना के दिया भाई वेबसाइट बनने के बाद ये लुक आना चाहिए। यहाँ पे कलर चेंज करने आसान है, थोड़ा ऊपर करना नीचे करना आसान है। उस बंदे ने क्या किया, लोगो भी बना के सेट करके लगा दिया यहाँ पे। ये क्लाइंट को पसंद आ गया, अब इसकी HTML होनी चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, पहले दिन ये नेट से लिया, टेम्पलेट लिया, दिखाया, ये पसंद आया ठीक है, नहीं ये पसंद आया नहीं, ये पसंद आया नहीं। जब क्लाइंट कहेगा नहीं 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 करता रहेगा, फिर खींचता रहेगा, आपको कुछ पसंद ही नहीं आता था, फिर ऐसी बात नहीं आती। ये प्रोसेस होना, यहाँ से हट के अब इसका ट्रेंड नहीं रहा। रीज़न ट्रेंड क्यों नहीं रहा, क्योंकि काम आज की डेट में बाहर का भी आ रहा है, लोगों का आउटसोर्सिंग बोलते हैं, तो लोगों का फोटोशॉप से थोड़ा सा विश्वास हटा कि भी इसकी पहले मैं PSD बनाऊंगा, फिर मैं भेजूंगा, उसके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल होगा तो ओपन होगी। तो मेरे को एक कॉमन एनवायरनमेंट चाहिए था। ठीक है, तो एडोबे ने ही एक चीज़ और निकाली, एडोबे ने निकाला XD। एडोबे वालों ने ये निकाला XD। इसमें भी मोबाइल एंड ऑल दैट वाली चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं, लेकिन चलो ये भी फेलियर में आ गया। तो आज की डेट में क्या यूज हो रहा है, फिग्मा फॉर UI UX डिज़ाइन, ये यूज हो रहा है आज की डेट में फिग्मा। इसमें डिज़ाइन करके हम सिर्फ लिंक सेंड कर देते हैं उसके फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, या लिंक डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। तो फिग्मा इज द की टूल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है आज के में, इसमें डिज़ाइन हो जाता है। ये ड्रैगन ड्रॉप वाला सिस्टम भी होता है, ड्रैगन ड्रॉप वाला भी है जी, इसमें ड्रैगन ड्रॉप वाला भी है। और इसमें बेनिफिट क्या है कि मान लो मैंने एक इमेज लगाई है तो उसकी CSS भी साथ में बताएगा, कलर कोड क्या होना चाहिए, कलर कोड क्या होना चाहिए। मान लो मैंने कलर लगाया ये वाला, तो एग्जैक्ट कलर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। फोटोशॉप में मेरे को ड्रॉपर से उठाना पड़ेगा या किसी से उठाना पड़ेगा, इन्होंने कुछ CSS करके दे रखी, ये बेनिफिट भी है। तो फिग्मा इज द की टूल जो आज की डेट में यूज हो रहा है। ये मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड वगैरह कर लेंगे। या एग्जैक्टली UI डिजाइनिंग टूल है ना, द मॉडर्न इंटरफेस डिजाइनिंग टूल, आप करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो लॉगिन करें तो ये दिखा देता है, देखें यार लॉगिन करके, शायद मेरा को पुराना पड़ा हुआ है इसमें। कंटिन्यू विद गूगल, यस लॉगिन हो गया। इसमें शायद किसी ने मेरे को कभी भेजा हो तो दिख जाएगा।
रिसेंटली व्यूड, मैंने काफी टाइम से ऊपर में, हाँ यस पढ़ा हुआ है ये पढ़ा हुआ है, ये तब का बहुत पुराना है, ये किसी कंपनी में वर्क कर रहे थे तो ये इस यूआई पे काम कर रहे थे, तो ये यूआई पूरा कंप्लीट बना के दिया था। देखो यहीं पे लोड हो गए, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, कोई फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये रियल टाइम जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये देखो पूरा बन के सामने आ गया, ये उसे सब डिज़ाइन बना के दिए, ये देखो ज़रा ऐसा बनना चाहिए गा डिज़ाइन, ये देखो ज़रा थोड़ा और इधर करके देखो तो कह रहा ये देखो इस तरीके का होना चाहिए था, नहीं ये वो नहीं है एक्चुअल में, ये तो वही, और देखो ये तो क्लिक करे तो ये बता भी रहा है यहाँ पे किसका साइज क्या होना चाहिए भाई, ये देखो कलर कॉम्बिनेशन उसका कलर वाइट का कलर, ये देखो जरा ये चीज़ है, और क्या चाहिए, इफेक्ट कौन कौन से लगे हुए हैं, ड्रॉप शैडो लगी हुई है इसके ऊपर, ये देखो जरा ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें, यहाँ पे इनर शैडो देनी है क्या, तो ये बेसिकली यूज़ हो रहा है यहाँ पे आज की डेट में, तो ये यूज़ हो रहा है, ये वो जो रियल टाइम बना होता है हट गया, ये इसका अपना ही है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम भी आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे, टेस्टिमोनियल 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ, तो मतलब आज की डेट में जो यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो बनना भी यही चाहिए वैसे बेसिकली, ये बन जाता है तो हमारा काम इजी हो जाता है, नहीं तो बनाना क्या है यही नहीं समझ में आता है, क्या रखना है ऊपर क्या नहीं रखना, तो मैं पेपर पे रखूँगा ना पहले अपना डिज़ाइन, पेपर पे जो मैंने बताया वो डिज़ाइनर अगर उतार दे, बात वही हो गई कि एक क्रिमिनल को पकड़ना है, वो कह रहा है यार उसकी नाक कैसी थी, उसका कान कैसा था, तो क्या एग्जैक्ट वही बनता होगा, तो टीवी में बनते हैं एग्जैक्ट, रियल टाइम में नहीं बनते, सही बताऊँ तो मैं वो तो कुछ और ही बनता है इनका, तो लेकिन यह कि ऑलमोस्ट एक माइंड तो क्लियर होता कि यार ये स्ट्रक्चर होगा, तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियर कर रहे हैं ना, सो चलो कंटेनर नॉन कंटेनर, कंटेनर क्लियर हो गया, ये नॉन कंटेनर, ठीक है, नॉन कंटेनर और भी बहुत होते हैं, जैसे एक बीआर टैग होता है, बीआर का मतलब हो गया ब्रेक जी, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, ठीक है ना, एक इनपुट टैग भी होता है, ये भी आपका नॉन कंटेनर ही है, हैबिट बना के रखो कि लास्ट में स्लैश लगाओ, ज्यादातर जो एचटीएमएल करते हैं वो हैबिट नहीं बनाते इस चीज, ठीक है नॉन कंटेनर है ऑप्शनल है लगाओ ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आगे चल के प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ता है, रिएक्ट में आना पड़ गया या कहीं और, वहीं पर यही भी हैबिट, यही हैबिट रह जाती है, और वो रिएक्ट को चिक के मार जाती है साथ, वही स्लैश कहाँ है ये बोलती है वो, मैं तो नहीं बोलती, मतलब नीचे सीधा लिख देती है कि भाई वो है कहाँ, तो पहले से हैबिट बनी हो तो गलती के चांस कम रहते हैं, तो हमेशा नॉन कंटेनर को बताओ, इनपुट टैग हो गया, आईएमजी हो गया, पीआर टैग हो गया, इवन देन एचआर टैग हो गया, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल रो, तो ऐसे कई टैग्स हैं जो नॉन कंटेनर हैं, लेकिन जितने नॉन कंटेनर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एट्रीब्यूट जरूर होंगे, ठीक है ना, जैसे कि इसमें टाइप बता रखा है, इसके अंदर इनपुट होगा तो क्या होगा, टेक्स्ट इनपुट होगा, इसमें कोई आईडी दी जा सकती है, इसमें इसका नेम भी दिया जा सकता है, इसमें इसका टाइटल भी दिया जा सकता है, इसमें इसकी वैल्यू भी दी जा सकती है, इसमें इसका प्लेस होल्डर भी दिया जाएगा, किधर के बता दूंगा क्या है, मतलब एट्रीब्यूट जरूर होंगे जी, इनमें हो या ना हो, लेकिन जितने भी टैग हैं एक तो होगा ही होगा, एक एट्रीब्यूट तो होगा ही होगा गारंटेड, इवन दो तो पक्का होंगे, कौन कौन से, एक आईडी और कुछ है या नहीं है, ये तो दो तो होंगे होंगे, आईडी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसकी और क्लास, ये दो दो मिलेंगे मिलेंगे आपको, वो अलग बात है कि हम दोनों यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं वो हमारी मर्जी है, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो ये यूज होता है स्टाइलिंग के लिए, तो कंटेनर एंड नॉन कंटेनर में कोई डाउट नहीं होगा इसमें,
ये वही चीज़ है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो ये चीज़ वही है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि चलो ये मेरा बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा मेरा टाइटल। टाइटल क्या हो सकता है यहाँ पे, ये वो नेम है जो आपकी वेबसाइट को रियलिटी में रिप्रेजेंट करता है। टाइटल, टाइटल ज़रूर होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो गूगल को सबसे पहले अट्रैक्ट भी करती है, प्रॉपर टाइटल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, मैं सारी इंफॉर्मेशन ही डाल दूँ इसमें। रन करके देखो तो ये टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा बना हुआ। यहाँ पे ठीक है, आप इसके साथ कोई इमोजी लगा सकते हो या इस तरीके से। वैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो ये विंडो का बटन जो होता है यहाँ पे, इसके साथ अगर डॉट प्रेस किया जाए तो ये इमोजीज आ जाती हैं, बहुत सारी इमोजी आ रही हैं यहाँ पे। पर मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट से ना लगाया जाए, गूगल पे जाया जाए और यहाँ लिखा जाए। देखो इतना तो याद रख सकते हैं, इमोजी के कोड याद रखने की जरूरत नहीं, इतना रख लो कि इनको कहते क्या है, HTML एंटिटी बोलते हैं। चाहे आप डब्ल्यू थ्री स्कूल पे चले जाओ और वेबसाइट सर्च करोगे तो और मिल जाएगी। तो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटिटीज, करेक्टर एंटिटीज, करेक्टर एंटिटी इन द सेंस कि ना अगर आपको लेस देन लगाना है तो भैया लेस देन ऐसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये तो टैग का पार्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई एम्परसेंट का साइन लगेगा यहाँ पे, लगेगा क्या लेस देन ना, तो एल टी लग गया यहाँ पे, फिर सेमी कोलन लग गया यहाँ पे, ऐसे लगाओ ना, ये ब्राउजर अपने आप समझ जाएगा कि आपने किसके बारे में बात की है। तो वो कोड यहाँ बता रखे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंट, यूरो, येन, वेन, कॉपीराइट का सिंबल यूज करते हैं हम, ऑल राइट रिजर्व, कॉपीराइटेड, रजिस्टर्ड, तो उनके सिंबल भी तो बता रखे हैं बनते कैसे हैं, एम्परसेंट कॉपी, एम्परसेंट रजिस्टर, ऐसे भी लगा सकते हो, एम्परसेंट हैश, हैश 169, तो इस कोड का मतलब यही है, जो समझ में आ रहा लगा सकते हैं। तो ये सिंबल आपको कहाँ से मिल रहे हैं, एंटिटी से मिल रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे आए, बहुत सारे बता रखे हैं, कीबोर्ड के पूरे बता रखे हैं, थोड़ा सा नीचे आए और सिंबल्स और भी बता रखे हैं इसने यहाँ पे। तो ये वो सिंबल है जो याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फुल मैथ सिंबल भी बता रखे हैं, मैथमेटिक सिंबल भी बता रखे, जबकि मैथमेटिक सिंबल हमारा काम नहीं है, मेरे को काम नहीं है, किसी को तो होगा, ठीक है ना, क्यों इसके, तो ये मैथमेटिक सिंबल से बता रखे हैं इसने। नो डाउट मुझे ये भी नहीं चाहिए अगर, तो मैं तो इमोजिस की बात कर रहा, तो इमोजिस आर देयर, करें ये कोड लगाओ, ये कोड कॉपी करना है एंड देन पेस्ट इट हियर, इसकी जगह पे आप पेस्ट करो ये। इसका मतलब ये हो गया कि वो तो शॉर्टकट है, वो तो इसने शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पे, किसी दूसरे ब्राउजर पे, सॉरी एडिटर पे जाएगा तो मे बी क्रैश कर सकता है, ये तो कोड लिखा हुआ है, ये कहाँ क्रैश करेगा। तो दैट्स व्हाई इसको लगाओ आप, इसका बेटर रिजल्ट है। तो इसने तो आपको पूरी लिस्ट बता दी ना यार, पूरा रेफरेंस भी ओपन करके बैठ जाओ ना, जो भी पसंद है आपको। इवन देन अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई तो इन सब सिंबल्स को मैं अगर शॉर्टकट में डाल दूँ या शॉर्टकट बना पाऊँ तो शॉर्टकट भी बना सकता हूँ मैं। बाकी उन्होंने क्या किया, यही तो किया है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है, ये देखो आपको जो पसंद है। लाइक मुझे ये पसंद था तो मैंने ये कॉपी किया और कहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया, H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ मैं, तो लगाना कहते हैं मेरे को एम्परसेंट, फिर हैश, फिर दिस वन, फिर क्योंकि इसने कोड लिखा ना, ये दो चीज़ बचा दी इसने, ये बाकी हमारे पे छोड़ दिए इसने, तो लग गया। तो दीज आर व्हाट, दीज आर इमोजेस, तो इमेजेस बहुत सारी पड़ी है, हैंड, पीपल, ऑफिस, प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी पड़ी हैं, A to Z पड़ी हैं सारी की सारी।
मतलब कुल मिला के हमें यूज़ करनी आनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं, जैसे ये ऊपर आ चुका है यहाँ। सेकेंड थिंग क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, जैसे गूगल वालों ने वेबसाइट बनाई, टाइटल तो दे दिया उन्होंने, गूगल कहाँ दिया हुआ टाइटल टैग में, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपना लोगो भी दिया। मेरे वाले में नहीं है। इस लोगो का बेनिफिट क्या है कि जब कोई इसको बुकमार्क करेगा तो ये लोगो एज अ शॉर्टकट दिखना शुरू हो जाएगा, तो लोगो होना चाहिए छोटा सा यहाँ पे, तो वो कैसे लगता है, उसके लिए आपके पास लोगो होना चाहिए। बट मेरे पास लोगो नहीं है, तो ऐसे करता हूँ मैं कि मेरे पास अगर लोगो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इस गूगल गूगल का ये जी कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे ये गूगल का जी कॉपी करना है तो मैं क्या करूँ, एक मिनट, मेरे पास हमारे कंप्यूटर में या फिर ये जो लैपटॉप है यहाँ पे एक स्निपिंग टूल होता है, सबके होता है ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, स्क्रीन के किसी भी पार्ट को थोड़ा सा एरिया कॉपी करने की पावर रखता है। सो मैं इसी एडवांटेज ले लेता हूँ थोड़ी सी, ये मैंने इसकी एडवांटेज ले ली यहाँ पे। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस जी केयरफुली एंड आ गए यहाँ पे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको सेव करने के बाद मैं कहाँ डाल दूँ इसको, मेरा फोल्डर कहाँ है, राहुल नाम का बनाया था मैंने फोल्डर, और इस राहुल नाम के फोल्डर में मैंने एक नया फोल्डर और बना लिया। एक तो मैंने इमेजेस दे दिया, नाम दे दिया मैंने FAV, एंड बंद कर दिया। मुझे यहाँ लगानी तो है, लगाना है तो कैसे लगेगा, इसी हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग आ जाएगा, ठीक है ना, और इस लिंक टैग के अंदर मुझे जो इमेजेस है वो दे दी मैंने, इसकी जगह क्या आएगा, आइकन। अब देखो मैंने यहाँ नहीं लगाया था कुछ भी, लेकिन इसने अपने आप कर दिया, वो प्रेटियर की वजह से हो रही है। तो अभी आप चेक करो तो यहाँ पे आगे, हाँ ये सर जी कैसे था, मतलब कौन ये सा सर जी, ये जो आइकन वहां पे आया है, हमने यहाँ पे मतलब क्या चीज डाली है। हाँ ये वाली, जी ये पाथ डाल दिया मैंने, इमेज सेव नहीं की यहाँ पे, ये देखो इमेज नाम का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर जो इमेज लिखी है ये मैंने पाथ डाल दिया, इमेजेस के अंदर fav.png वाली फाइल वो मैंने पाथ दे दिया इसका, और यहाँ बता दिया है कि ये एक स्टाइल शीट नहीं है, ये एक आइकन है, और ये आइकन भी हो सकता है, और ये एक कोई शॉर्टकट बनाए तो शॉर्टकट आइकन ये भी हो जाए, तो मैं आइकन ही चाहिए मेरे को, तो ये इस तरीके से परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका छोटा सा आइकन भी आ गया। वैसे इसका साइज़ क्या होना चाहिए, कोई 32 पिक्सल होते हैं, छोटा सा होता है, 32 पिक्सल का ही होता है, ये इससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी, आइकन है एक्चुअल में। तो कई तो PNG हो सकता है, JPG हो सकता है, ICO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट होना चाहिए ये छोटा सा जो भी आइकन देना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है आपको ये। सो यहाँ पे देखा जाए तो ठीक चल रहा है, यहाँ पे आप टाइटल आप कैसा भी दे सकते हो, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे दो, मान लो हिंदी में भी देना पड़े अगर तो कोई हिंदी का टाइपिस्ट है तो वो कर लेगा, नहीं तो फिर ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है हिंदी टाइपिंग की, तो कुछ काम इससे भी कर लेते हैं, क्योंकि तो कई बार ऐसी वेबसाइट आ जाती है जहाँ हिंदी लिखनी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे हम या तो ट्रांसलेटर लगा दो या फिर यहाँ पे लिख दो, मान लो मैं लिख देता हूँ ग्रेप सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे जैसे, और ये मैं कॉपी करता हूँ, और ये यूनिकोडेड करेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डन, और फिर इसके यहाँ पे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो छोटे छोटे टिप्स हैं, दैट डजन मैटर कि आप इसको यूज़ करो या ना करो, बट थिंक इज दिस कि भाई ये चीज़ें भी ऐसे अवेलेबल हैं, ऐसे यूज़ किया जा सकता है। तो आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कंटेनर टैग अवेलेबल है, नॉन कंटेनर अवेलेबल है। इसके अलावा मैं अगर गूगल पे सेलेक्ट करूँ सिमेंटिक टैग वर्सेस नॉन सेमेंटिक टैग,
ये भी इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक बात तो वही पढ़ रही है एक तरीके से। तो सेमेंटिक टैग एलिमेंट क्लियर डिस्क्रिप्शन मीनिंग द बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर, ठीक है, ये सेमेंटिक है। जिनकी डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर है, नाम से पता चल जाएगा ये क्या करा, टेबल ये टेबल बनाएगा, फॉर्म फॉर्म बनाएगा, आर्टिकल आर्टिकल लिखोगे भी, हेडर फुटर, ये सारे कैसे सिमेंटिंग है ये देखो जरा। पहले नॉन सिमेंटिक ही चलते थे, डिव स्पैन पी, नॉन सिमेंटिक पहले चलते थे, लेकिन जब HTML5 आई तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्लियर कर दो यार, यानी मेरे को किसी को ये ना बताना पड़े कि भाई हेडर बनाना तो क्या करना है। तो पहले के टाइम पता क्या होता था कि मैं किसी को ये नहीं बता पाता था बैठे बैठे कि भाई तू हेडर बना ले यार, तो मैं क्या करता था, है डिव टैग लगा ले, उसकी आईडी हेडर दे दे, तो मैं कहता यार हेड टैग लगा ले, तो उतना समझ आता है यार हेडर बनाने का बोल रहा है। फुटर एक हेडर टैग लगा ले, फुटर टैग लगा ले, एक असाइड कर ले, असाइड मतलब साइड टैग कह रहा हूँ, और एक आर्टिकल टैग बना ले, मेरा काम इजी हो गया। तो सेमेंटिक टैग जिससे उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है बस। तो ये दीज आर वर्ड्स, टाइम समरी सेक्शन नेम मार्क मेन हेडर। तो मेन मेन मतलब ये ऊपर वाला जो जा रहा है ये मेन है, ये हेडर, नेविगेशन सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, असाइड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो दीज आर वर्ड, दीज आर द सिमेंटिक टैग जिनका मीनिंग नेम से क्लियर हो जाता है, अदर देन और इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल टैग कहाँ यूज हो रहा है, कह रहा कि फॉरम में यूज हो रहा है, ब्लॉग में यूज करते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल्स लिख रहे हो यहाँ पे, तो मैं आर्टिकल टैग नहीं भी लगाऊंगा, मैं वहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन आज की डेट में जितने आपको टेम्पलेट मिलते हैं बने बनाए वर्डप्रेस में मिले हैं जो भी, उनमें यही चीजें यूज हो रखी हैं। और दूसरे नंबर पे जो गूगल का क्रॉलर है उसको भी आसानी हो गई कि हाँ ये टेबल टैग से आ रहा है, टेबल होगा भाई, आर्टिकल टैग से आ रहा है, आर्टिकल होगा भाई। तो इसकी वजह से ये देखो काम तो वैसे होना, अगर मैं एक कंटेंट आर्टिकल से सेट करूं और एक कंटेंट पैराग्राफ से सेट करूं, देखने में दोनों एक जैसे, 1% भी डिफरेंट नहीं। कंटेनर टैग, नॉन कंटेनर टैग, सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग, आई थिंक ऑल आर क्लियर, ठीक है। सो इतना कि थोड़ा सा रीड करके देखना पहले आप, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ प्रैक्टिकल तो थी बट कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं है इसमें अभी, धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे अब आप तो प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं अब आप। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये गूगल से सर्च करने वाली, ये डेफिनेटली यूज करनी है आपने।